For children living in slums or footpaths, a mobile school has been started in Surat, Gujarat. In a unique initiative, a bus has been converted into a mobile classroom, equipped with benches, carpets, a television, lights, a fan, and internet connectivity. This bus would be used to teach 32 children, and classes will be held for 3 hours daily. This unique initiative has been taken by Vidya Kunj Vidya Peeth Group of Surat. मेरे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज की जन्म शताब्दी महोत्सव 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक था। वहाँ मैं प्रत्यक्ष सेवा में नहीं जा पाया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ एक महीने पर कुछ करूँ। तो सबसे पहले मेरे जहन में आया कि मैं जो फुटपाथ पर रहते हैं उन लोगों का संपर्क करूँ, उनके साथ 2-3 घंटे बिताऊँ, उनकी सामाजिकता, उनकी मानसिकता समझूँ और उनको क्या प्रॉब्लम है वो समझूँ। तो उस दौरान मुझे पता चला कि अगर ये पीढ़ी को, ये समाज को जो ऐसे फुटपाथ पे रहते हैं उनको बाहर निकालना है तो बच्चों में शिक्षा होनी चाहिए। और इस सोच से मैंने गुरु से प्रार्थना की और मैंने संकल्प लिया कि मैं ऐसी बस शुरू करूंगा जो उसमें पूरी सुविधा क्लासरूम की तरह हो। और वही बात आज मैं खुशी से कर सकता हूं कि कल हमारे स्कूल का लोकार्पण हुआ। आप देख सकते हैं कि पूरी बस में हमने क्लासरूम में जो सुविधा आमतौर पर नहीं होती है ऐसी सुविधा की है जो बच्चों को प्रेरित करेगी हर रोज आने के लिए। तो मुझे आज खुशी है कि हम विद्यादीप और विद्याकुंज के माध्यम से हमारा दिव्य पथ मानवता की महक जो ग्रुप है उनके द्वारा हमारे पूरे ग्रुप के माध्यम से ये स्कूल में शुरू करने जा रहा हूँ। साथ में मैं आज शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे बस के डोनर शिरीष कापड़िया, श्रेयम मोहनलाल कापड़िया एंड फैमिली ट्रस्ट जो है उन्होंने पूरे बस का डोनेशन हमको दिया है। जो महीने भर में खर्च आने वाला है वो भी हमारे बहुत सारे मित्रों ने और खुद ये जो श्रेयम एजुकेशन है उनको उन्होंने भी देने के लिए बोला है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उनको मेंटेन करना, कायम रखना वो बहुत ये रहेगा। न्यूज डेस्क कौमुदी ग्लोबल।